लोहिया मानव कल्याण ट्रस्ट, श्री राम बालाजी धाम, बाबा नीम करौली आश्रम ट्रस्ट, लाला ओम प्रकाश अग्रवाल मेमोरियल ट्रस्ट एवं श्री राम कथा अमृत महोत्सव समिति के तत्वावधान में 1 फरवरी 2024 से श्री राम कथा अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कथा के शुभारंभ से पूर्व एक भव्य कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा का शुभारंभ आर्यंस स्कूल के पास ऋण मुक्तेश्वर मंदिर से अनिल कुमार शर्मा के द्वारा नारियल फोड़कर किया गया। ढोल नगाड़ों की थाप और बैंड बाजों की धुन पर यात्रा आगे बढ़ी। यात्रा में सबसे आगे मुख्य यजमान विनीत कुमार गुप्ता लोहिया एवं महेश चंद्र अग्रवाल ने रामचरितमानस को अपने सर पर धारण किया और यात्रा में पैदल चलते हुए आगे बढ़े। कलश यात्रा में 251 कलश धारण किए महिलाएं पीले वस्त्रों को धारण कर शामिल हुई। 251 कलशों को धारण करने का संकल्प लिया गया, लेकिन भगवान राम की भक्ति में डूबी महिलाओं ने 300 से ज्यादा कलश धारण कर महिलाएं शामिल हुई। भव्य यात्रा आर्यंस स्कूल से शुरू हुई और बुद्धि विहार क्षेत्र में घूमकर कथा स्थल पर पहुंची, जहां पर यात्रा का समापन हुआ। पंडाल में पहुंचकर कलशों की स्थापना की गई और भगवान श्री राम का जय घोष किया गया। इस अवसर पर यात्रा में MLC डॉक्टर जय पाल सिंह व्यास, प्रिया अग्रवाल, विशेष गुप्ता भी कार्यक्रम में शामिल हुई। कलश यात्रा में विभोर कुमार लोहिया, विपिन कुमार लोहिया, प्रवीण कुमार, अंकुर अग्रवाल, पंकज सक्सेना, श्रीमती अवधेश लोहिया, श्रीमती कुमकुम गुप्ता, नयन तारा गुप्ता, शिखा गुप्ता, भारती गुप्ता, अनुभव लोहिया, अनमोल लोहिया, आकर्षक लोहिया, गौरव अग्रवाल, राकेश अग्रवाल, अजय नारंग, संजीव आकांक्षी, ऋतु नारंग, शशि अरोड़ा, मीनू मेहलोत्रा, हरिगोपाल शर्मा, के गुप्ता, प्रदीप शर्मा, राजीव अग्रवाल, सीमा गुप्ता, मोहिनी सक्सेना, पूनम शर्मा, सुनीता शर्मा, निशा सक्सेना आदि श्रद्धालुओं की भीड़ रही।